दोस्तों, भाई आप फास्ट फूड तो खाते हो ना, तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आई है। तो आपको पिक्चर को देखकर यह गेस करना है कि यह किस फास्ट फूड का नाम है। ओवर एक्टिंग करूं थोड़ा? अरे यार सिंपल है, पानी और पूरी, पानी पूरी। तो भाई दोस्तों जब ध्यान से देखिए, यह तो सभी की फेवरेट है। मेरा भी है, जवाब दो आंटी। फास्ट फूड का नाम क्या है? नहीं आया यार। अरे यार यह तो एकदम आसान था, उस फास्ट फूड का नाम है पानी पूरी। सिंपल, और मैं जीत गया 1 करोड़ रुपए। पजल नंबर 2। दोस्तों भाई आप मूवी तो देखते हो ना, तो देखिए स्क्रीन। हाँ, एकदम सिंपल है, मैं इतने सारे मूवीज रिव्यू करता हूँ। इसका जवाब है रोटी, कपड़ा और मकान। सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको पिक्चर को देखकर यह गेस करना है कि यह किस मूवी का नाम है। तो भाई टाइम इज स्टार्ट। तो आया क्या आपको इस मूवी का नाम? नहीं आया यार। अरे यार यह तो एकदम आसान था, उस मूवी का नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों जीत गया मैं। यह मूवी पजल नंबर 3। दोस्तों भाई आपको हिट सॉन्ग सुनना तो पसंद है ना, तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आई है। तो भाई ये वाला थोड़ा लेवल अप हो गया है। बगीचा है, फूल है और बादल है, बहती नदियों से। क्या होगा यार इसका जवाब? क्या होगा? जंगल, फूल, बादल, कौन सा गाना है भाई? हिट गाना वो भी। जवाब आ रहा है मेरा जवाब देने से पहले और जवाब निकल कर आए उससे पहले, ईमानदारी से जाके कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या होगा यार। दो फूल एक माली नहीं हो सकता, दो फूल है पर माली किधर है और बादल का कोई लेना देना नहीं है। अटक गया हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ। तो आपको बताना है कि यह कौन सा गाना है। दोस्तों भाई इस आगे भागते हैं। एंड गो। तो वाओ यू आर जीनियस। अरे अच्छा नहीं आया यार। नहीं आया, चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो वह गाना है बहारों फूल बरसाओ। दोस्तों यह गाना आंटी जी खेल गई। हाँ हमने इतना पुराना वाला गाना भी नहीं सोचा था यार, बहारों फूल बरसाओ। क्लैप। ठीक है ठीक है, मैं अटक गया हूँ, अगले क्वेश्चन पे नहीं अटकूंगा। पजल नंबर 4। पजल नंबर 4। दोस्तों भाई आपको फेस्टिवल यानी त्योहार के नाम तो पता है ना, तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आई है। प्रेजेंट। तो आपको बताना है कि यह किस फेस्टिवल का नाम है। सोचने दो। सांप, नाग, पंच, मी, याद आ गया पंच, पंच से याद आया, ये पंचमी होगा तो फिर नाग आ गया भाई, एकदम इजी हो गया मेरे लिए, एकदम सही जगह। बताओ आंटी। अरे अच्छा नहीं आया यार। तो खैर छोड़िए, चलिए मैं ही बता देती हूँ, उस फेस्टिवल का नाम है नाग पंचमी। तो ठीक है ना भाई। बजाओ रे ताली बजाओ। पजल नंबर 5। ओके पजल नंबर 5। आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो आपको पिक्चर को देखकर यह गेस करना है कि यह किस लड़की का नाम है। तो भाई दोस्तों ये कैसे हो सकता, किसी का नाम चाबी और भोपू, बाजा चाबी की लौटी, सब्जी का नाम हो जाएगा, बाजा राजा हो सकता, चाबी राजा, बेइज्जती हो जाएगी भाई। 99% लोगों ने गलत ही जवाब दिया है। इसने सर्वे कब मारा बे? मैं सही जवाब दूंगा। राज नहीं, विक्की तो हो नहीं सकता क्योंकि ये की इधर पे है और ये बाजा इधर पे है, साला क्या हो सकता है बे? टाइम लो जरा। चाबी प्लस बाजा, चाबी प्लस भोपू, मूछ कटवाने के टाइम आ गए भाई, वैसे भी बढ़ रहे हैं और इस सवाल का जवाब अगर नहीं दे पाया तो लड़के का नाम। चीटिंग कर लेते,
सिंपल सी बात है, जवाब सुन लेते क्या? जरा ध्यान से देखिए और सही गेस कीजिए कि यह किस लड़के का नाम है। आंटी अभी 10 सेकंड फिर से लेंगी। क्या आपने सही गेस किया क्या? नहीं। इस लड़के का नाम क्या है? नहीं आया यार। नहीं। अरे यार यह तो एकदम सिंपल है, उस लड़के का नाम है किशोर। देखिए सबसे पहले है चाबी, तो हम चाबी को कहते हैं की, और बाद में है हॉर्न जिससे शोर होता है, तो भाई बन गया ना किशोर। किशोर, तुम में से कितने लोगों ने सही गेस किया था भाई, कमेंट करके बताओ तो जरा। मुझे नहीं लगता किसी ने भी गेस किया होगा किशोर। अरे यार वो बाजा भोपू नॉइस, ठीक है यार नॉइस आना चाहिए था दिमाग में, लेकिन मैं जीनियस हूँ, मैंने 3 सवाल के जवाब सही दिए, 2 का नहीं ले पाया, गलत नहीं किया मैंने, नहीं ले पाया। तुम लोगों में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया है और कितने जवाब सही दिए वो बताओ। तो बस इतना ही बेइज्जती इस वीडियो में, अगले वीडियो में कोई बेइज्जती नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं हुई, अगले वीडियो में भी नहीं होगी। टीरा स्टिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल का बटन दबा के जाओ, और हाँ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों के सामने शेयर भी करो ताकि उनको भी समझ में आए कि उनके पास कितना दिमाग है। मोनोलॉग गाइस, बाय।